हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया रूल क्या हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन केस अगर आपका जो विंडो है वो करप्ट हो जाता है या विंडोज में कुछ एरर आ जाता है, उसके बाद उसे हमें फॉर्मेट कराना है, तो हम उस केस में अपने डेटा को कैसे निकालें, क्योंकि विंडोज तो चला गया, हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उसमें जो हमारे डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में या हमारे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में कुछ भी अगर डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सी ड्राइव में है, कुछ भी डेटा है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके कितने हमारे ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से हम उस डेटा को हम निकाल सकते हैं। तो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर से आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा और आप डेटा निकालने में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमें अपने करप्ट विंडो का डेटा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, एक तो हमें अपने हमारे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, हार्ड डिस्क, जिसमें हम अपना डेटा रिकवर करना चाहते हैं। और अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं है, आपके सिस्टम में ही अगर डी ड्राइव है, ठीक है, एक आपने देखा होगा आपके सिस्टम में सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है, अगर आपके पास डी ड्राइव है आपके सिस्टम में, तो आप सी ड्राइव का डेटा डी ड्राइव में कॉपी कर सकते हो और विंडो सिर्फ सी ड्राइव में डालना। अगर आप पूरा क्लीन करना चाहते हैं या अपने डी ड्राइव का भी डेटा निकालना चाहते हैं, तो आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, जिस जहाँ पे अपने डेटा कॉपी करके रख सकें। और सेकेंड, आपके पास होना चाहिए एक बूटेबल पेन ड्राइव, या तो आप किसी लाइव ओएस को इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि एक हायरन बूट आता है, विंडो का पीई आता है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, उससे आप अपने लाइव ओएस को रन करा सकते हैं और उससे आप जो भी डेटा चाहें अपने अकॉर्डिंग उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा जो है वो लाइव चलता रहता है, ठीक है, जैसे हमारा विंडो चलता है उसे लाइव ओएस ही बोलते हैं। तो अगर इनके हमारे पास वो भी नहीं है, तो उसके जगह पे हमारे पास अगर 8 GB या 16 GB का पेन ड्राइव है, उसे हम बूटेबल करेंगे। बूटेबल कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल करने कर लेना है। बूटेबल करने के बाद इसी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग इन करना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम पे, ठीक है। और उसके बाद हमें अपने सिस्टम को बूट कराना है, तो बूट कैसे कराना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल USB ड्राइव और ये जो है शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे और चाहूँ तो मैं यहाँ पे इससे बूट करूँगा, बट मैं अभी आपको दिखा दूं कि बूट कैसे करते हैं। तो आपको अपने सिस्टम को ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद, जैसे मैंने अपने सिस्टम को ऑफ़ कर लिया, ऑफ़ करने के बाद मैं आपको बता दूं इसकी बूट की कौन कौन से, जैसे मैं आप देख सकते हो मेरे पास ये HP का सिस्टम है, ठीक है। तो HP के लैपटॉप में हमारे पास ये F9 जो बटन होता है, ये इसका बूट ऑप्शन का बटन है, ठीक है। अगर आप आपको इसके बायोस में जाना है, तो बायोस के लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं है, बायोस में नहीं जाना, आपको सिर्फ बूट ऑप्शन में जाना है, ठीक है। आप सर्च करना गूगल पे, आपका जो भी हो, HP, लेनोवो, डेल, एसर, जो भी है, तो इनमें आपको जो है ये HP में F9 मिलेगा, ठीक है। लेनोवो है तो आपको F12 मिलेगा, डेल है उसमें भी आपको F12 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आसूस है उसमें भी F12 मिलेगा। आप अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो या मेरे से कुछ गलत हो रहा हो, तो आप इसे गूगल कर सकते हो कि इसका जो बूट की कौन सा है। तो बूट की जैसे आप अपने मॉडल का नाम के साथ में बूट की सर्च करेंगे, तो आपको बूट की मिल जाएगी। आपको जस्ट अपना PC का बटन ऑन करना है, और जैसे लाइट आ जाए आपको F9 दबाना है, ठीक है। और देखिए हमारा जो है OS है वो रन हो गया प्रिपेयर रिपेयर पे। तो जब हमारे सिस्टम UEFI पे होगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारा सिस्टम जो है UEFI पे था, इसलिए हमारा जो और SSD लगी होगी, तो हमारा OS बहुत जल्दी बूट होता है, जिसके OS बूट होने से हमारे जो बूट की दबाएंगे बूट की वर्क नहीं करता। तो इसके लिए भी सोल्यूशन है, आप अपने सिस्टम को 2-3 बार शट डाउन और ऑन करें, नहीं तो आपको पावर की दबा के रखनी है देर तक, ऑफ करें जब भी, तो दोबारा से फिर से ऑन करेंगे और F9 दबाएंगे, ठीक है। F9 दबाते रहना, देखिए हमारा जो है वो बूट बूट ऑप्शन आ गया था, वही देखिए हमारा ये वाला स्क्रीन आ गया है। तो अब फर्स्ट चलते हैं अपने जो भी बूटेबल हमारे हमने पेन ड्राइव लगाई थी उसे बूट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव 2। तो मेरा जो पेन ड्राइव है, ये दो ड्राइव बनी हुई है इस पेन ड्राइव में, इसी वजह से यहाँ पे दो शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा USB हार्ड ड्राइव सैंडिस्क का है, तो हम इसे एक बार अपने जो पेन ड्राइव है बूट करेंगे। आपके में सिर्फ सिंगल जो भी आपका पेन ड्राइव होगा, HP किंगस्टन या सैंडिस्क का, तो सिंगल पेन ड्राइव जो भी आपकी शो करेगी उस पेन ड्राइव पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद रन कर देना है, और सिंपली हमारा जो पेन ड्राइव है अब ये पेन ड्राइव से बूट कर रहा है। तो जैसे ही हमारे जो सिस्टम है बूट हो जाएगा, बूट करने के बाद आप इसलिए अगर आप एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपका विंडो करप्ट हो रखा है, तो आप अपने पेन ड्राइव भी ना उसी OS से बूट करें जो आपको इंस्टॉल करना हो। जैसे विंडोज डायरेक्ट, जैसे विंडोज अलग डाउनलोड करेंगे, तो आपको डायरेक्ट विंडोज 10 डाउनलोड कर लेना है, 11 डाउनलोड कर, हर एक विंडो से हमारा बूट करा देना है। बूट करने से के बाद हम डेटा रिकवर कर सकते हैं किसी भी OS से।
तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना विंडो भी डाल सकते हो उसके बाद, अगर बूटेबल तो आपका एक पेन ड्राइव से मतलब एक पन दो काज हो जाएंगे, एक साथ में दो काम हो जाने, आपका डेटा भी निकल आएगा। और उसके अलावा आप अपना ओएस भी खुद से ही डाल सकते हो, आपके आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हमारे पे अपना सिंपली ये हमारा सेटअप हो गया विंडो डालने के लिए, बट हमें इनसे इन सबसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे डेटा निकालना है। तो डेटा निकालने के लिए हमें अपने शिफ्ट के साथ F10 दबाना है, ऊपर के लाइन में यहाँ पे F10 होते हैं, ठीक है, ये F10 और शिफ्ट, इनको दोनों को एक साथ में दबाना है, ठीक है। जैसे एक दोनों को साथ में दबाएंगे ये विजार्ड हमारा ओपन होकर आ जाएगा। इस विजार्ड इसे बोलते हैं CMD, CMD ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखना है हमें नोट पैड, ठीक है, हमें सिर्फ लिखना है नोट पैड, और नोट पैड लिखने के बाद हमें कर देना है एंटर। इसके बाद से हमारा इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद से हमें जो जो भी काम करने हैं सारे CMD से करने हैं, ठीक है। तो हमें सिंपली जाना है अपने फाइल पे, ठीक है, फाइल में कर लेना हमें इसे ओपन, ठीक है, फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे के बाद ओपन पे, अगर नहीं होता तो आप कंट्रोल ओ दबा सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसे ओपन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा, और इसे हम कर लेंगे डबल क्लिक करके बड़ा, ठीक है। जैसे हम इस वाले यहाँ पर अगर डबल डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा, जिससे हमें इस थोड़ा क्लियर दिखेगा। इसके बाद सेकेंड हमें क्या करना है, नीचे जो एक लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और ऑल फाइल कर लेना है, जिससे हमें जो भी फाइलें होंगी सारी शो करेंगी। उसके बाद दिस PC आपका ये आ गया, जहाँ पे आपका सी ड्राइव डी ड्राइव जितनी भी ड्राइव लगी होती हैं सारी ड्राइव यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इसमें भी थोड़े चैलेंजेस होते हैं कि हम डेटा निकालेंगे कहाँ से, हमारा सी ड्राइव और डी ड्राइव होता कहाँ पे, ठीक है, और अपना हमारा जो डेस्कटॉप डाउनलोड और डॉक्यूमेंट के जो फोल्डर होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, कौन सा हमारा सी ड्राइव है। तो जैसे यहाँ पे मेरे कई सारे ड्राइव लगे हुए दिख रहे हैं, तो मैं इसमें से या तो साइज से पता कर सकता हूँ, उसके अलावा इनमें जो विंडोज़ का फोल्डर होता है ये देखना है कि इसमें विंडोज़ का फोल्डर है। ये देखिए मेरे यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर है, जिसमें विंडोज़ यूजर और प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर होंगे, यही आपका विंडोज़ जो सी ड्राइव है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो डेस्कटॉप वगैरह होता है, ठीक है, मैं फिर से एक बार दिस PC पे आ जाता हूँ। उसके अलावा आपके यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव अलग से यहाँ पे लगा रखी है तो उसे आप चेक कर लीजिएगा, उसमें उसको कर लीजिएगा रीनेम, जिससे आप उसे पहचान सको, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे डी ड्राइव सी ड्राइव जिसका भी आपको डेटा कॉपी करना है कर सकते हो। और यहाँ पे आप ऑल सिलेक्ट मत करना कभी भी, क्योंकि यहाँ पे ऑल सिलेक्ट नहीं होता, सिर्फ सिंगल सिंगल कॉपी होते हैं, सिंगल सिंगल कॉपी मतलब यानी कि आप पूरा फोल्डर कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो बस ऑल सेलेक्ट नहीं था, कंट्रोल ए दबाऊंगा कुछ भी करूँगा तो ऑल सेलेक्ट नहीं होता, सिंगल सिंगल फाइल पे क्लिक होगा। तो आप चाहो तो पूरा एक फोल्डर कॉपी कर लो, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमें वेट करना, तो कि दिखेगा नहीं ये बैकग्राउंड में कॉपी होता है, तो ये भी एक चीज़ है आपको देखना पड़ेगा। मैं चले जाता हूँ अपने यूजर वाले फोल्डर में, क्योंकि मुझे डाउनलोड और डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप का डेटा निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपने उसी विंडोज वाले फोल्डर ड्राइव में जाएंगे। तो उसी विंडो वाले ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे हम यूजर पे जाएंगे, यूजर के अंदर जो मेरा यूजर नेम है उसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे 32 GB कुछ का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आ गया आपके डेस्कटॉप फोल्डर, ये अगर डॉक्यूमेंट, ये अगर डाउनलोड, ठीक है, ये MP3 टाइप, आपके सीट यूजर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना भी स्क्रॉल करके या जितना भी प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे देखिए कोई भी जो हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिलेक्शन टूल अगर यूज करते हैं हम या हम ऑल चेक करते हैं शिफ्ट के साथ, अगर ऊपर नीचे करेंगे तब भी हमारा जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें सिंपली एक एक करके ही करना है, या तो आप एक फोल्डर कर लो, या आप चाहो तो बाहर से कर लेना ये वाला फोल्डर। अगर ये वाला पूरा फोल्डर करेंगे तो आपके साथ में बहुत सारी फाइलें जाएंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन का फालतू का डेटा होता है जो हमें ये विंडोज सेव करके रखता है, वो भी जाएगा, तो बहुत सारा टाइम लेता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक एक फोल्डर कॉपी कर लो। जैसे मैं यहाँ पे एक पहले डॉक्यूमेंट का फोल्डर कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है, 34 MB कुछ का है, क्योंकि अगर सारा डाटा कॉपी आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट का फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट बैक गया, और बैक करने के बाद मुझे जहाँ पे भी रखना है इसे, ठीक है, तो मेरा एक ये एक ये 60 GB का, ठीक है, ये मेरा डी ड्राइव है, इस पर मैं यहाँ पे रखूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, मैंने पेस्ट किया, ये मुझे बैकग्राउंड में नहीं दिखा, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कोई भी कमांड देंगे, कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाया, मुझे दिखा नहीं, बट कॉपी हो चुका है। मुझे यहाँ इसके बाद दबाना है इस पर F5 या रिफ्रेश कर देना है, ठीक है, आप F5 दबा दो या रिफ्रेश करो, जब रिफ्रेश करोगे तब तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फोल्डर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका नेम चेंज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तब भी नेम ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे F5 दबाना पड़ेगा। मैंने इसका रख दिया डॉक, सिर्फ डॉक कर दिया, ठीक है,
इंटर किया, देखिए डॉक्यूमेंट ही है, मैंने जबकि नाम चेंज कर दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप डाटा कॉपी करो तो आपको घबराना नहीं कि मैंने ये कमांड दे दिया। अब बाई चांस आपके डाउनलोड फोल्डर में 10 GB या 20 GB का डाटा पड़ा हुआ है, तो आपने कॉपी लगाया तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा, और टाइम लेने में हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ वो डमरू सा छपके आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है आपको, और उसके अलावा जब और जब भी कोई कमांड दें या कुछ भी टास्क दें तो आपको F5 दबाना है। जैसे F5 दबाएंगे या रिफ्रेश करेंगे इसे, ठीक है, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वही हमारा डॉक बन गया जो मैंने यहाँ पे अभी कॉपी किया था जस्ट। फिर आपको बैक में आना है, फिर आपको अपनी सी ड्राइव में जाना है, यूजर में जाना है, और अपना जो है जो भी फोल्डर जो भी डेटा है आप कॉपी करके ला सकते हो। एक हमारा ये तरीका हो गया। दूसरा हमारा होता है जो मैंने आपको हायर एंड बूट का, हायर एंड बूट या हमारा विंडो पी के कोई भी OS, लाइव OS डाउनलोड कर लोगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट चलता हुआ OS मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि हमारा जो डेटा विंडो है चला गया उसके बाद डेटा हमारा रिकवर नहीं हो रहा है। और वीडियो यूट्यूब पे भी इस चीज़ के वीडियो हैं, बट उतने ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं दिखे जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे डक कमांड कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जो मैंने आज को आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। आपने सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको अदर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके बताए हुए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, और जैसे भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।